हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, अभी हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के पास आ चुके हैं और जैसा कि देख सकते हैं कि यहां पर पटना मेट्रो का बोर्ड लगा हुआ है और ठीक मेरे सामने देख सकते हैं कि बड़े बड़े क्रेन हैं और यहां पटना मेट्रो का अंडरग्राउंड का काम चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम पटना में बन रहे डबल डेकर ब्रिज का अपडेट देने वाला हूं, जो कि कारगिल चौक से लेकर साइंस कॉलेज तक बन रहा है। दोस्तों, जैसे ही मैं कारगिल चौक को क्रॉस करता हूं तो मेरे सामने बोर्ड दिखाई देता है, यहीं से 2.2 किलोमीटर का डबल डेकर रोड का निर्माण होना है। और आपको ये भी बता दूं कि इस रूट में डबल डेकर का बनना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इस रूट में बिहार का बहुत ही बड़े अस्पताल, PMCH, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कई लाइब्रेरी और कोचिंग संस्था हैं, जिस कारण से यहाँ पे आए दिन जाम का सामना करना पड़ता है। काफ़ी व्यस्त ट्रैफिक होने के कारण डबल डेकर का निर्माण दो भागों में किया जा रहा था। पहला, जो कि PMCH से लेकर साइंस कॉलेज तक था, उसका सारे पिलर का निर्माण कर लिया गया है, और दूसरा, जो कि अशोक राजपथ से PMCH तक होना है, वह अगले महीने दिसंबर से काम शुरू होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार का पहला डबल डेकर छपरा में बन रहा है और बिहार का दूसरा डबल डेकर पटना में बन रहा है, जो कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं। अगर हम सेकेंड फेज डबल डेकर की बात करें तो इस बीच एक बहुत ही पुरानी और ऐतिहासिक खुदाबख्श लाइब्रेरी आती है, जिसको बचाने के लिए रोड के अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है और इसको बचाने के लिए कई संगठन द्वारा मुहिम चलाई गई थी, जिसके बाद पुल निर्माण निगम ने डबल डेकर रोड के अलाइनमेंट में थोड़ा बदलाव कर दिया है। आपको बता दें कि जब यह डबल डेकर रोड बन जाएगा तो अशोक राजपथ में लगने वाले जाम से छुटकारा मिल जाएगा और हमें NIT, पटना यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज, PMCH, लाइब्रेरी जाने में आसानी होगी। तो दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह से होने वाला है अशोक राजपथ में बन रहे डबल डेकर का स्ट्रक्चर। आपको बता दूं कि ग्राउंड फ्लोर पर तो गाड़ियां चलेगी ही, जैसे हम लोग अभी चलते हैं, उसके ऊपर दो और फ्लोर का निर्माण कराया गया है। पहला तल्ला, जो कि PMCH के मल्टी लेवल पार्किंग से डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा, और दूसरा तल्ला जो कि साइंस कॉलेज की ओर जाएगा। आपको बता दूं कि PMCH मल्टी लेवल पार्किंग को एक और कनेक्टिविटी दी गई है, जो कि मरीन ड्राइव से डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा, जिससे कि मरीज को आने जाने में आसानी होगी और कोई जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में PMCH को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाना है, जिसका भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दोस्तों, अभी हम PMCH खजांची रोड के पास आ चुके हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बचे हुए पाइलिंग का काम अभी चल रहा है। जैसे ही हम साइंस कॉलेज की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पियर और पियर कैप बनकर रेडी है, तो बस उस पर स्पैन चढ़ाने की देरी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है और इसे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट की कुल खर्च 422 करोड़ बताई जा रही है और इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की डेडलाइन लगभग 2025 जनवरी बताई जा रही है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 2.2 किलोमीटर में से लगभग 800 मीटर पर पाइलिंग का काम खत्म हो चुका है और बाकी बचे पर पाइलिंग का काम सेकेंड फेज पर होना है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक लाइन से कई एक पिलर का निर्माण कर लिया गया है। और आपको बता दूं कि 2.25 किलोमीटर के इस डबल डेकर प्रोजेक्ट में लगभग 64 पिलर का निर्माण होना है। डबल डेकर रोड अलाइनमेंट में पटना विश्वविद्यालय, BN कॉलेज, BN कॉलेज हॉस्टल, पटना कॉलेज, इंडियन बैंक का हिस्सा आ रहा है, जिसके लिए 650 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया है। आपको बता दूं कि पुल निर्माण निगम द्वारा पटना विश्वविद्यालय को 650 करोड़ रुपया दिया गया है। आपको बता दूं कि अब अशोक राजपथ में ट्रैफिक का दबाव कम होने वाला है, क्योंकि जैसे ही PMCH से लेकर साइंस कॉलेज तक पिलर का निर्माण हो जाता है तो दोनों ओर सर्विस लेन को चालू करना है। दोस्तों, अभी हम साइंस कॉलेज के पास आ चुके हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल डेकर का लास्ट पिलर का निर्माण हो रहा है और इसके बाद एक अप्रोच रोड का निर्माण होना है। आपको बता दूँ कि इसके लिए साइंस कॉलेज का गेट और बाउंड्री को भी तोड़ा जाना है। तो दोस्तों, ये था पटना में बन रहे डबल डेकर का लेटेस्ट अपडेट।
आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक लाइन से सारे पिलर को निर्माण कर लिया गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी और जगह का अपडेट चाहते हैं तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में हम आप तक अपडेट दे सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।